पिज्जा, जिसका नाम सुनते ही काफी लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। एक ऐसा स्वादिष्ट आहार जिसके लिए लोग बड़ी बड़ी कतारों में खड़े रहने के लिए आसानी से मान जाते हैं। अमेरिका और कई देशों में ये रोजमर्रा की जिंदगी का अभिन्न अंग हो गया है। आज हम इस वीडियो में पिज्जा के रोमांचक सफर पर निकलेंगे। हम समझेंगे कि कैसे ये बड़े बड़े किचनों से निकलकर आपकी प्लेट तक पहुंचता है, इसे बनाने में किस तरह के उपकरण की आवश्यकता पड़ती है और कौन सी क्रिया के कारण इसका स्वाद और निखर जाता है। साथ ही हम समझेंगे दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते पिज्जा कंपनी के कुछ अद्भुत तथ्यों के बारे में। तो आइए निकलते आज के इस सफर पर, देखते पिज्जा बनाने की पूरी प्रक्रिया। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश, दोस्तों नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाए और साइड में दिए हुए बेल आइकन बटन को जरूर दबाए, जिससे हो कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों किसी भी स्वादिष्ट पदार्थ का स्वाद करल से छुपा होता है, उसे बनाने की विधि और सामग्री में। कई बार लोग किसी पदार्थ बनाने की सामग्री का तो खुलासा कर देते हैं, लेकिन विधि गोपनीय रखते हैं, जिस वजह से उनका पदार्थ स्पेशल बना रहता है। ज्यादातर पिज्जा बनाने वाली कंपनियां इसी सिद्धांत का उपयोग करती हैं और अपनी विधि किसी के साथ साझा नहीं करती। दोस्तों हम सब जानते हैं कि पिज्जा ग्राहकों की इच्छा के अनुरूप बनाया जाता है। उन्हें किस तरह का स्वाद ज्यादा लुभाता है, उस तरह का पिज्जा बनाया जाता है। पिज्जा बनाने की शुरुआत होती है क्रस्ट बनाने की प्रक्रिया से। इसे बड़े बड़े बर्तनों में बनाया जाता है ताकि ग्राहकों की मांग समय पर पूरी की जा सके। बड़े बड़े बर्तनों में सबसे पहले अनुमानित मात्रा में आटा और अन्य जरूरी सामग्री डालकर गूंद लिया जाता है। ये प्रक्रिया तेजी के साथ हो, इसलिए गूंदने की प्रक्रिया में मशीन का सहारा लिया जाता है। दोस्तों अब आपके लिए एक सवाल, दोस्तों क्या आप जानते हो कि दुनिया की सबसे तेजी से पिज्जा बनाने वाली कंपनी कौन सी है? अगर हाँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख सकते हो अगर आपको आंसर मालूम हो तो। दोस्तों अब बारी आती है दूसरे चरण की। अब दूसरे चरण में गूंधे हुए आटे के गोले को बराबर तापमान में निश्चित समय के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। एक निश्चित अवधि के बाद इसे बाहर निकाला जाता है। इस आटे के गोले में काफी ज्यादा बदलाव आसानी से नजर आ जाता है। अब ये आटा कुछ अंश तक पिज्जा बनाने के लिए उपयुक्त हो जाता है। दोस्तों अब बारी आती है कुछ मजेदार तथ्य यानी कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। दोस्तों क्या आप जानते हो पिज्जा इस शब्द को लैटिन भाषा से लिया गया है। पिज्जा इस शब्द का पहली बार प्रयोग साल 997 CE में हुआ था। अमेरिका जहां पिज्जा बहुत ज्यादा लोकप्रिय पदार्थ है, इसका सबसे पहला पार्लर लंबोर्नी है, जो आज भी उसी ऊर्जा के साथ चल रहा है जिस ऊर्जा के साथ ये साल 1907 में शुरू हुआ था। न्यूयॉर्क में स्थित ये पार्लर सबसे पहले ग्रोसरी शॉप चलाता था, बाद में एक्सपांशन के तौर पर पिज्जा शॉप शुरू किया गया। साल 1974 एक ऐसा साल जिस समय पिज्जा पहली बार ऑनलाइन ऑर्डर हुआ था। इतना ही नहीं, साल 2001 में पिज्जा पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डिलीवर हुआ था। स्पेस स्टेशन में डिलीवरी वाकई में एक अनोखी बात है। दोस्तों आपने कभी ना कभी ब्रेन पिज्जा तो सुना ही होगा, क्या आपको पता है कि ये असल में है क्या? ये पिज्जा का एक म्यूजियम है जो कि फिलाडेल्फिया में स्थित है। यहाँ आपको आपको हर तरह के पिज्जा मिल जाएंगे। दुनिया के हर वैरायटी के पिज्जा यहाँ पे रखे गए हैं। दोस्तों जब भी आप पिज्जा खाते होंगे तो आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल तो आता ही होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा आखिर होगा कितना बड़ा। तो इसका जवाब है 131 फीट, जो कि इसका डायमीटर है, और इसका वजन करीब 51,253 पाउंड है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा दर्ज हुआ पिज्जा है। दोस्तों पिज्जा का बात करें तो वर्नर लोंगर का नाम तो जरूर ध्यान में आता है, जो कि सिर्फ 57 सेकंड में 3 बड़े पिज्जा बना लेते हैं। अब पिज्जा की बात चल ही रही है तो आपको बता दें कि डोमिनोज कंपनी वर्ल्ड फास्टेस्ट पिज्जा मेकर कंपनी है, जिसकी शुरुआत साल 1960 में हुई थी। इनके करीब 17,000 से ज्यादा स्टोर से और 3.5 लाख से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी है, और करीब 30 लाख पिज्जा ये रोज बेचते हैं। अब वापस आते हैं हम अपने पिज्जा मेकिंग प्रोसेस पर। हम दो चरण देख चुके हैं, अब तीसरे चरण की बात करते हैं। दोस्तों तीसरा चरण सबसे जरूरी चरण होता है पिज्जा बनाने में। शेफ अपनी कारीगरी से तरह तरह की चीजें डाल के, जैसे कि सॉस, चीज, टॉपिंग, वेजिटेबल, नट्स, हर्ब्स, स्पाइसेस, सी फूड, मीट, एक्सोटिक टॉपिंग डालकर अपने ग्राहकों के लिए बेहतरीन स्वाद वाले पिज्जा देता है, और जिससे उनके ग्राहक संतुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको पिज्जा में सबसे अच्छी चीज कौन सी लगती है, और अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर आपको अच्छा लगे तो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल आइकन पर क्लिक करके चैनल से जुड़ जाए।